जैसा कि आपने हेडलाइन पढ़ा है, गुड़ या फिर गोबर, क्या है पूरा मामला बताते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अंकिता सिंह स्वागत करती हूं आपका सिजी बिग न्यूज पर। फिलहाल मेरे पीछे कुछ महिलाएं मौजूद हैं, मेरे पास में ही ये महिलाएं हैं गांव ढंडूर की, जो यहां पर एकत्रित हुई हैं इन्हें मिल रहे खराब राशन की वजह से। क्या पूरा मामला है ये मैं आपको बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ गेहूँ का एक कट्टा रखा हुआ है एक छोटा सा, वो दिखाना चाहूंगी कि ये दरअसल इन महिलाओं को जो है डिपो से गेहूं मिल रहे हैं, और गेहूं की क्वालिटी जो है वो ये है। ये देखिए, जानवर भी जो है इस तरीके से खाने को खाने से मना कर देते हैं, और ये खाना इंसानों के लिए यहाँ डिपो में से दिया जा रहा है, जिसकी शिकायत लेकर के ये महिला यहाँ पर फिलहाल पहुंची है। गेहूं की क्वालिटी ये है, देखिए कचरा जो है भरपूर है, साथ साथ देखिए किस तरीके से गेहूं सड़ करके इकट्ठा हो गया है, साथ ही वाइट वाइट भी हो गया है, बपून जिसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज के अंदर, वो जो है इस गेहूं के अंदर फिलहाल लगी हुई है। तो ये सारी क्वालिटी गेहूं की है, और उसके बाद ये महिलाएं इस बात की नाराजगी जताने के लिए यहाँ हिसार मिनी सेक्रेटरिएट के सामने मौजूद हैं। क्या पूरा मामला है इनका, इस मामले में क्या कहना है, ये इन्हीं महिलाओं से सुनवा देते हैं। हाँ जी, कब से ये गेहूँ आपको ऐसा मिल रहा है? 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए? हाँ जी। तो आपने आज पहली बार शिकायत की है? नहीं, शिकायत करी है तो सुनवाई नहीं करी, तब जाके यहाँ पे आए हैं जी। ठीक है, मतलब हाँ। शिकायत आपने बार बार की? हाँ, बार बार की है कि भी ये इसको खाएगा कौन, ये कोरोना से बचो बचो, ये कोरोना तो हमारे घर भेज रहे हैं जी। बिल्कुल है? तो ये कैसे खाए, ये पशु भी नहीं खाएगा इसको तो जी जी, कोई इंसान कैसे खाएगा, आटा भी गेहूँ भी जी। बहुत दुखी है जी, या तो किसी के बीपीएल कार्ड है नहीं है जिसको ये दे रहे हैं। बिल्कुल है, इससे अच्छा तो जहर की गोली दे दे, वो खा के एकदम सीधा पहुंच जाएगा जी। बिल्कुल, वैसे तो सरकार जो है बड़े बड़े ढकोसले करती रहती है कि कोरोना काल में जो है अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाइए, ये खाइए, वो पीजिए, उस पौधे का जूस पीजिए। अरे छोड़िए जनाब, गेहूं तो ठीक ठाक खाने लायक दे दीजिए इन लोगों को। ये वो लोग हैं जिनका जो है बीपीएल का कार्ड बना हुआ है, और इन गरीब लोगों को खाना जो है नॉर्मल इंसान से, मतलब जानवर से भी बदतर खाना इन लोगों के लिए मिल रहा है। ये गरीब की दुर्दशा है हमारे इस हिंदुस्तान के अंदर जी। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? इस बारे में देख रहे, राशन नहीं मिलता, मैंने राशन भी नहीं मिलता है टाइम से जी। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? राशन नहीं मिलता है, 2-3 साल हो गए राशन कार्ड बन रहे हैं, राशन कार्ड बना हुआ है, फिर भी राशन नहीं मिल रहा, मिलता है अभी 4 महीने फ्री मिला, कुछ नहीं मिला हमारे को तो। तो कारण क्या बताया जा रहा है आपको, राशन क्यों नहीं मिलता है? बोला था पीछे से आएगा, पीछे से कौन आया, पीछे से कौन आया, पीछे से राशन नहीं आया। हाँ जी, आ गया ही आ गया, की बात कीजिए। मोहर लगा के आओ, फिर मिलेगा। हाँ जी, हाँ जी, आधार कार्ड पे भी राशन में कौन देते हैं, आधार कार्ड पे क्या राशन देंगे ये, क्या करा पे? बिल्कुल, तो बीमारी चालू पड़ी, कीमत राशन भेज दिया हमने, तो वापस जाना चाहिए। अब हमारे कोटे पर ये पहुंच रहा, तो वापस जाना चाहिए ये राशन। जी जी जी, मैं बिल्कुल, ये देखिए हाँ जी, मैं विधवा लोग आई जी, मेरे को राशन नहीं मिल रहा जी। ये महिला जो है विधवा है, और घर परिवार चलाने के लिए जो इन्हें मुखिया की जरूरत होती है वो इनके पास नहीं है जी। क्या कहना चाह रही है ताई जी? माम जी, सासू बहू तीन बे दुआ घर में बैठे हैं। अच्छा, और 60 साल हो गया हमने बस देखा दिया न, मारा ना तो हरिया कारट ना मारा पीला कारट, हम तो भूखे बैठे हैं न्यू के न्यू। अच्छा, ये मेरे कमाने वाले तो राम का गए, हम के खावा, मारी कोई सुनाई कोई नहीं, मारी सी भी हाँ, बहुत समस्या है जी हमने तो जी। तीन विधवा हैं एक ही घर के अंदर, जो है मर्द नहीं है, और फिर भी परेशान इतने कि कमाने वाला कोई नहीं है, और ऊपर से सरकार जो इनके हक का खाना है वो कुछ ऐसा भेज रही है। धिक्कार है ऐसे प्रशासन पर जो इंसानों के लिए ऐसा खाना भिजवा रहा है खाने के लिए। क्या यही राशन उन अधिकारियों के घर पर भिजवा दिया जाए जो इस खाने की देख देख करते हैं, जो इस खाने को इन तक पहुंचाते हैं, तो क्या वो अधिकारी इस खाने को खाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस गेहूं को, इस अनाज को अपने घर में भी किसी को भिजवाने देंगे। आपका इस मामले पर क्या कहना है, साथ साथ कमेंट करते रहिए जी। और कोई कुछ कहना चाहेगा जी? कहिए जी। मेरा ना तो मेरा धनी ना मेरा लड़का, लड़का भी मर गया धनी भी, और अब तो 50-60 साल हो गया, मेरा कार्ड को नहीं बना, बीपीएल राशन को नहीं मिला जी जी जी। ये देखिए कि ये जो महिला हैं, इनके पति भी नहीं हैं, इनके बेटे भी जो हैं वो स्वर्ग से हार चुके हैं, और इतने दिन इतने सालों से जो है ये अकेली है, और उसके बाद भी इनका राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, और
जिसका बन गया है उसको भी कौन सी ज्यादा ही यहाँ पर फतेह करने को मिली है, जिसको मिला है उसका राशन ऐसा है और नौ जने हम घर में नौ जने हर एक राशन मिलता है, वो उस बहू का नहीं चढ़ता, कोई बच्चों का नहीं चढ़ता, किसी का नहीं चढ़ता, राशन मिलता ही नहीं है। ये मिलेगा तो ये गंदा राशन मिलेगा जी। तो ये लीजिए, ये महिलाएं तीन शिकायत यहाँ पर कर रही हैं, तीनों को एक एक करके बता देती हूँ। पहली शिकायत कि इस तरीके की कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं जिनके घर पर ना इनके पति हैं ना बेटे हैं, बिल्कुल कोई कमाने वाला नहीं है और ये खुद भी अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, कमाने की उम्र अब इनकी नहीं बची है। इन लोगों के अभी तक कार्ड नहीं बनाए गए हैं, सबसे पहली शिकायत और समस्या इन लोगों की। दूसरी समस्या ये रख रहे हैं कि जिनके कार्ड यहाँ पर बन चुके हैं, जिन्हें कार्ड मिल चुके हैं इनके बन करके, इन्हें जो है राशन नहीं मिल रहा है। अब राशन के लिए ये साल साल दो दो साल तक चक्कर निकाल रहे हैं राशन कार्ड राशन डिपो के, लेकिन राशन इन्हें नहीं मिल रहा है। और तीसरी और सबसे मुख्य और शर्मनाक शिकायत कि जिसको यहाँ पर राशन मिल रहा है वो राशन की क्वालिटी ये है, ये देखिए ये राशन की क्वालिटी है, तो कौन इस राशन को लेना चाहेगा? ये आज ही बटना शुरू हुआ है, कहा जा रहा है जी सर कब से शुरू है ये? तो जो गेहूँ जो आप देख रहे हैं, जो आप ये गेहूँ देख रहे हैं ये आज बट रहा है, अभी ताजा, आप सर्वे कर सकते हैं वहाँ जाकर डंडूर में डिपो होल्डर के पास। और दूसरा जो पिछले महीने जो आटा आया था बिल्कुल खाने योग्य नहीं था, वो लोगों के घरों में अभी तक पड़ा है, कुछ लोगों ने तो पशुओं को ही डाल दिया है, और जबकि उस आटे के अधिकारियों ने पैसे लिए गए थे डिपो होल्डरों द्वारा ये कह करके भी अब की बार आटे के पैसे लगेंगे, और गेहूँ तो था वो फ्री मिल रहा है, लेकिन जो ये राशन बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं है, लोग काफी परेशान है। और हमारे गाँव की आधी से ज्यादा जो आबादी है वो सभी मजदूर तबके से संलिप्त है और मजदूरी दिहाड़ी करके अपना पालन पोषण करती है। कुछ महिलाएं आपने देखी हैं, विधवाएं हैं जो काफी सालों से वंचित है, जिनके बीपीएल कार्ड अभी तक नहीं बनाए गए हैं और जिनके परिवार में कोई पालन पोषण करने वाला तक नहीं है, उनके बीपीएल कार्ड तक नहीं बने आज तक। तो हमारी प्रशासन से ये मांग है कि सावित्रीबाई फूले बैनर के तले जो हमने ये मंच एक साझा मोर्चा बनाया है, हमने इसके बैनर तले हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और अधिकारियों तक और सरकार तक इनकी मांगों को हम पहुंचाएंगे, ताकि इनके समय रहते हुए इनके बीपीएल कार्ड बनाए जाएं और जो ये घटिया प्रकार का राशन आया है इसे तुरंत डिपो से उठा करके उच्च क्वालिटी का भेजा जाए, और जिन अधिकारियों ने इसे सर्टिफाइड करके डिपो तक पहुंचाया है उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी शिकायतें ना आए। बिल्कुल, हमारा चैनल इस बात की समर्थन करता है कि जो अधिकारी इस तरीके का राशन इन गरीब लोगों को खाने के लिए भिजवा रहे हैं, जो इस राशन को जो है परमिशन दे रहे हैं इस चीज की कि जो ये राशन है, ये देखिए हैफेड का ये यहाँ पर फिलहाल जो बोरी है या कट्टा कहिए इसे, ये जो है यहाँ पर दिख रहा है, जो अधिकारी यहाँ पर इसको FSSAI का लोगो दे करके और यहाँ से इसको खाने लायक बता रहे हैं, उन अधिकारियों को शर्म आनी चाहिए और कार्रवाई भी बिल्कुल होनी चाहिए। जो इसे खाने लायक खाना बता रहे हैं उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी अवश्य ही होनी चाहिए। नाम यहाँ पर लिखा हुआ है फिलहाल RG फूड्स, सात रोड खास, हिसार, हरियाणा। इसके माता पैसे इस कणक के पैसे भी तो लिए गए। कितने पैसे लिए गए? 220 रुपए, 230 रुपए भी दिए हमने, हाँ, जिससे हमारे एक डंगर छोड़ गधा गाँव अड्डा रोडी में क्या भैंस ले रखे है, गाय ले रखे है, वो भी मरेंगी खा खा के जी। तो ये था पूरा मामला, वो मैंने जी ये तो पूरा मामला जो मैंने आपके सामने रखा है, और इस मामले की आगे भी जांच जो है मैं मेरे स्तर पर जरूर करूंगी, आगे भी इस चीज की राशन किस तरीके से लोगों को मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, जांच मैं करूंगी, उसकी लाइव वीडियो भी आपके सामने लेकर के आऊंगी। जिसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए। नमस्कार।